फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मटरी बनाने वाली हूँ। तो मटरी बनाने के लिए मैंने मैदा लिया है, अजवाइन ली है, नमक लिया है और ऑयल लिया है। तो मटरी बनाने के बाद मैं उसमें कुछ मसाला ऊपर से ऐड करूँगी। तो वो मसाला कश्मीरी लाल मिर्च ली हुई है मैंने, और काली मिर्च ली है, काला नमक लिया है और अमचूर पाउडर लिया है थोड़ा सा। तो इसकी क्वांटिटी मैं आपको बाद में बताती हूँ बनाते वक्त। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नमक और अजवाइन डालने के बाद अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। तो करीब इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड कर लिया है। अभी ये मिक्स हो गया है अच्छे से। अब इसमें मैं पानी ऐड करूंगी और इसको गूंद लूंगी। गूंद के रेडी है। अभी मैं इसकी छोटी छोटी लोइयां तैयार कर लूंगी। तैयार कर लिया मैंने। अभी हम इसको बेल लेंगे। ऐसे हम दूसरा भी बेल लेंगे। देखिए, मैंने सारे बेल कर रख लिया है। ये इतनी मोटाई का मैंने बेला है इसको, और ये एक मैंने पतला बेला है। तो इसकी मैं पतली वाली मटरी बनाऊंगी, और एक लोई मैंने बचा के रखी है, तो इसकी मैं पापड़ी बनाऊंगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। एक प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन लेके रखा है, इसी से मैं इसको काजू शेप में काटूंगी। तो आइए देखते हैं कैसे काटते हैं। ये पहला पार्ट इसको अलग कर दूंगी, और जो ये कटा है इसी में से हम काटते जाएंगे। फिर आ रहा है, ये देखिए। तो इसको आधा आधा काटते जाना। तो तब तक मैं इनको कट कर रही हूँ, तब तक मैंने यहाँ पे ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। इसको मैं नॉर्मल चाकू से काट लूंगी। ये देखिए, मैंने अलग अलग शेप में काट के रखी है। अब मैं इनको फ्राई कर लूंगी। देखिए, कढ़ाई गर्म हो गई। देखिए, ये सिक्के एकदम रेडी हैं। तो अब मैं इनको कढ़ाई से बाहर निकाल लूँगी। ये निकाल ली हमने, तब तक हम दूसरी भी डाल देते हैं। दूसरी भी मैंने डाल दी है। जब तक ये पकती हैं, तब तक मैं दूसरे उसमें मसाला ऐड कर लेती हूँ। इसमें गरम में ही मैं मसाला ऐड कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं इसमें काला नमक, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और थोड़ी सी धनिया ऐड कर दूँगी, और इनको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मैंने इनमें गरम में ही मसाला ऐड कर दिया है। अब इनको रख दूँगी मैं साइड पे। ये भी रेडी है। इसमें मैं मसाला नहीं मिलाऊँगी, क्योंकि ये मेरे बेटे खाएगा। आटा मैंने बचाया था, इसकी छोटी छोटी लोई बना के मैं पापड़ी तैयार कर लूँगी। पट्टियाँ भी मैंने बेल के तैयार कर दी है। अब इनके बीच में मैं फॉक की मदद से बीच बीच में ऐसे फोल्ड कर दूँगी, ताकि ये कढ़ाई में जाके फूल जाए। मैं इनको फ्राई कर लूँगी। ये मटरियाँ भी तल के रेडी हैं, मैं इनको भी निकाल लूँगी। मसाला ऐड कर दूँगी इसमें, अमचूर पाउडर डालूँगी इसमें, काला नमक डाल दूँगी और काली मिर्च डाल दूँगी इसमें। अभी मैं लाल मिर्च ऐड नहीं करने वाली हूँ। मैंने मसाला ऐड कर दिया है। फ्रेंड्स, तैयार है हमारी होली स्पेशल मटरियाँ।